हम मेन मंदिर का द्वार देखेंगे। अंदर जाते हैं, ठीक है। ये हमारे तुकाराम महाराज है। यहाँ पे अभंग चढ़ रहा है, दिखाते हुए आपको क्या रहता है, कैसे रहता है। देखो फुगड़ी, फुगड़ी महाराष्ट्र में फुगड़ी को बोलते हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। ये बहुत पुराना रिवाज है, संस्कृति बोलते हैं इसको महाराष्ट्र की। जब भी कोई उत्सव रहता है तो ऐसा खेल खेला जाता है। अभी ये डंडी का खेल है, देखो। मुझे लगता है वहाँ पे प्रवेश बंद कर दिया गया है विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के। यहाँ पे कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे अभी संत तुकाराम महाराज शिरा मंदिर के पास। शिरा, अभी शिरा मंदिर क्या है? शिरा मंदिर यानी कि तुकाराम महाराज जिस पत्थर पे बैठे थे वो पत्थर का मूर्ति बनाया है, उसी को शिरा मंदिर बोलते हैं। बहुत दूर से लाया है, मतलब यहाँ का नहीं है वो, किसी अलग राज्य बिहार या मतलब महाराष्ट्र को छोड़ के जो राज्य है वहाँ से लाया गया है। वहाँ पे गए थे तुकाराम महाराज, ठीक है। ये देखो संत तुकाराम महाराज, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिया लगाए जाते हैं। अभी नहीं, रात को लगाएंगे। और आपको बोल रहा था ना मैं, जो हाथ से लिखा है गाथा वो देखो यहाँ पे है, दिखेगा नहीं आपको लेकिन दिखाता हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे है, सब हाथ से लिखा है। ये देखो भीड़, देखो बहुत श्रद्धा है भाई, बहुत, मतलब क्या कहूँ। वो सामने जो दिख रहा है ये शिरा मंदिर है, इसी में वो मूर्त है तुकाराम महाराज की, जिस पत्थर पे वो बैठे थे उसी पत्थर से मूर्ति बनाई है। ये देखो ये यहाँ पे ही शुरू हो गए, अलग अलग ही है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अरे भाई उनकी उम्र देखो भाई। अभंग बोल रहे हैं लोग, देखो हम लोग डीजे के गाने पे नाचते हैं, ये लोग अभंग पे नाचते हैं, इसी को तो संस्कृति बोलते हैं। ये देखो माता जी थक गई। चलो आगे देखते हैं। अंदर भी लोग बैठे हुए हैं इधर।
जो अंदर ने जो लाइन में नहीं लगना चाहता वो बाहर से ही दर्शन ले गया इधर से। ये देखो मृदुंग मराठी में बोलते हैं इसको। ये हमारी टाळ, चलो आगे जाते हैं। क्या सुंदर बनाया है भाई, अंदर बहुत भीड़ है, दिखाता मैं आपको, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं होगा भाई, मतलब मोबाइल ही पकड़ते नहीं आएगा वहाँ पे, इतनी गर्दी है भाई। देखो पाप पुण्य तो सब करते हैं, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसे संतों के चरण में जाना पड़ता है, तो आप भी जाया कीजिए। इससे क्या रहता है, जो हमारे टेंशन रहते हैं वो कम होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रहती है घर में, सुख शांति, धन का आना जाना जो है इसी पे डिपेंड रहता है। हम खाली इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो जाना चाहिए भाई, यही मेरा बोलना है। तो चलो अभी हम जाते हैं, तो